हेलो व्यवसायिक छात्रों, मैं दीपक सिंह आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पेपर 1.3 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में कुछ बोर्ड के लिए और छमाही के लिए भी सॉरी सालाना के लिए कक्षा 11 तो पेपर 1 के ही क्वेश्चन हैं। तो इसमें एक प्रोग्रामी और अप्रोग्रामी तरंग की तुलना करने को आता है बोर्ड में, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो अप्रोग्रामी तरंग को अगर आप प्रोग्रामी तरंग तो आप जानते ही हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य हैं। और प्रोग्रामी तरंग किसी तरह ध्वनि स्रोत द्वारा उत्पन्न की जा सकती हैं, जैसे आप तालाब में ईंटा फेंक दें और चाहे कोई ध्वनि आप बजा दें तो उससे। लेकिन ये अप्रोग्रामी तरंग हैं जो समान आवृत्ति और समान आयाम, आवृत्ति और आयाम, यन से आवृत्ति, आयाम ए से, तो विपरीत दिशाओं में चलने वाली, अगर यही तरंग प्रोग्रामी तरंग हैं, उनका जो अध्यारोपण होता है उसको हम अप्रोग्रामी तरंग कहेंगे। और साथ ही साथ ये तरंगे समान माध्यम में एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती हैं, और ये तरंगे माध्यम में आगे नहीं बढ़ती, इनके लिए तो एक निश्चित माध्यम होता है जिसे हम बद्ध माध्यम कहते हैं। तो हम आगे इसको देखेंगे। और इनकी विशेषताएं अप्रोग्रामी तरंग की अक्सर पूछता है, अप्रोग्रामी तरंग की विशेषताएं क्या हैं? तो ये अप्रोग्रामी तरंग आगे नहीं बढ़ती हैं, बल्कि अपने स्थान पर स्थिर रहकर फैलती और सिकुड़ती हैं। और इनके बीच में कुछ कुछ बिंदु ऐसे भी होते हैं जिनका विस्थापन अन्य बिंदुओं के अपेक्षा जो है अधिक रहता है, तो उसे प्रस्पंद कहते हैं। और जो जहाँ कम रहता है उसे निस्पंद इसमें है कहीं, और उसको निस्पंद कहते हैं। तो इस तरह से प्रस्पंद भी आपसे पूछता है और प्रोग्रामी तरंग की विशेषताएं भी पूछ लेता है। और इसके आगे अगर आप देखें अप्रोग्रामी तरंग में, तो अप्रोग्रामी तरंग किसे कहते हैं? जब देखिए इसकी परिभाषा भी है, जब किसी बद्ध माध्यम में सभी प्रकार के समान दो अनुदैर्ध्य तथा एक जैसी अनुप्रस्थ प्रोग्रामी तरंगें एक ही चाल से विपरीत दिशा में चलें। देखिए वही अंतर जो हमने पढ़ा, विपरीत दिशा में चलें तो उनके अध्यारोपण से एक नई तरंग उत्पन्न हो जाती है जो माध्यम में स्थिर प्रतीत होती है। और इस प्रकार की नई जो तरंग प्रोग्रामी तरंग कहलाती है, और इसमें ऊर्जा का संचरण नहीं होता है। और इस प्रकार के अध्यारोपण से बनी अप्रोग्रामी तरंग अनुदैर्ध्य अनुप्रोग्रामी तरंग कहलाती है। तो इसे आप वायु स्तंभों में देख सकते हैं। तो इसे आगे हम और अगर देखें तो देखिए इस अप्रोग्रामी तरंग में आपका बद्ध माध्यम भी बताया है कि बद्ध माध्यम किसे कहेंगे? तो वह माध्यम जिसकी सीमाएं अन्य माध्यमों से अस्पष्ट पृष्ठ द्वारा अलग अलग होती हैं, बद्ध माध्यम कहते हैं। जैसे कि आप सितार का तार जो है वो बजाते हैं तो उसमें वो बद्ध माध्यम होता है। और खुला जो होता है तो आप देखते ही होंगे कि योगी जी लोग बजाते हैं पतली डोरी से जुड़ा हुआ, तो कोमल माध्यम होता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर थे, तुलना भी आपने कर ही लिया। और इसके अंदर एक सवाल अक्सर आ जाता है जो कि एक इम्पोर्टेंट है, और इसमें आप देखिए ये इम्पोर्टेंट कर्ली में N1 अपॉन N2 इक्वल टू कर्णी में T1 अपॉन T2, ये मतलब तनाव है डोरी का, कोई भी डोरी आप लटकाएं तो T1 अपॉन T2, और N1 अपॉन N2 मतलब आवृत्ति। तो अगर तरंग की आवृत्ति है तो उसकी जो है तनी हुई डोरी अगर कोई है तो उसके में अगर अनुप्रस्थ कंपन कर दिया जाए तो उसके अंदर जो नियम बनते हैं, तो इस पर सवाल आता है। तो N1 अपॉन N2 अगर आपको दे दिया आवृत्ति हर्ट्ज में, तो उसका तनाव का अनुपात बताइए, तो वही कर्ली में लगा के आप इसको निकाल सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है। और इसी में आपको एक पूछता है कुंडनली जो है आपका क्या है, तो कुंडनली क्या होती है? और इसमें कुंडनली प्रोफेसर कुंड ने बनाई थी, और इससे द्वारा जो है वायु तथा गैस के अनुदैर्ध्य अप्रोग्रामी तरंग को बनाना प्रदर्शित किया गया था।
और इनके द्वारा वायु गैस तथा ठोस आवृत्ति में ध्वनि की चाल ज्ञात कर सकते हैं। ये सब चीज़ें भी इसके अंदर